इस कायनात की सबसे खूबसूरत नेमत है इन मासूम बच्चों का जन्म। कितना खूबसूरत होता है वो पल जब एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आती है और इस जग में अपनी आंखें खोलते हैं। वो बेजान सा पड़ा जिस्म मानो कितने ही लोगों में खुशी और उम्मीद की लहर जगा देता है। उस दौरान तो वो रो रहा होता है, मगर उसके पास मौजूद लोग उसके संसार में आगमन की खुशियां मना रहे होते हैं। और न केवल हम इंसानों में बल्कि इन जानवरों में भी ये एहसास उतना ही खूबसूरत होता है। और आज के इस वीडियो में आप कैमरे में कैद हुए कुछ ऐसे ही सुंदर पलों को देखने वाले हैं जब कई अलग अलग जानवरों ने ऑन कैमरा अपने बच्चों को जन्म दिया। तो क्या आप तैयार हैं इन शानदार लम्हों को जीने के लिए? अगर हाँ तो नीचे दिए लाइक बटन को प्रेस करके अपनी हामी जरूर भरें। बाकी बने रहें इस वीडियो में एकदम अंत तक। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हाथी के इस नन्ही संतान से। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही है मादा हाथनी एक नन्ही जान को इस संसार में एंट्री दिला रही है। आई मीन एक प्यारे से नन्हे हाथी को जन्म देने जा रही है। विल ये बात आपको हैरान करके रख देगी कि एक मादा हाथनी अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को अपने हिसाब से कभी भी जन्म दे सकती है। अब आप कहेंगे, भाई इसका क्या मतलब? मतलब ये कि एक हाथनी दिन के वक्त बच्चे देने की अर्ज पे होती है तो वो अपने गर्भधारण को थामकर रात तक का इंतजार कर सकते हैं और उजाले के छट जाने पर रात के अंधेरे में किसी वीरान जगह पे बच्चे देते हैं। मगर हर हथनी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, कुछ मौका ढूंढकर दिन के उजाले में ही बच्चे को जन्म दे देते हैं। ठीक वीडियो में दिख रहे इस मादा की तरह ये मादा भी अपने 22 महीने लंबे प्रेगनेंसी पीरियड के बाद फाइनली एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। जन्म के वक्त एक नन्हे हाथी का वजन महज 120 किलोग्राम होता है, जो कि अगले 8 सालों में बढ़ते बढ़ते 6 टन यानी 6000 किलो तक जा पहुंचता है। ये वजन 3 फरारी कार्स के बराबर है। वाकई वजनदार है। वैसे एक और मजे की बात यह है कि अभी ताजा ताजा पैदा हुआ नवजात हाथी कुछ सेकंड में ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइग्रेस यानी बघनी को बच्चा देते हुए। देश का नेशनल एनिमल और अपने खूंखारपन के लिए प्रख्यात है ये टाइगर, जिसका फीमेल वर्जन यानी एक मादा बाघिन जो अब आप सबकी नजरों के सामने दो बाघों को जन्म देगी। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक पल का साक्षी बनने के लिए? ये था वो लम्हा जब एक बाघिन ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, गर्भीय तरलों और खून में सना हुआ ये बच्चा इस सूखी घास पर आ गिरता है। जितनी खूंखार अदाएं इस बाघिन की हैं, उतने ही प्यारे दिखने में ये बच्चे भी हैं। शानो शौकत का ये सिंबल देखिए कैसे इस दुनिया में प्रवेश लेता है और फिर कितने शान से अपनी आंखों को चमकाकर ताव देता है। वैसे कि आप जानते हैं एक बाघिन का प्रसव काल 112 दिनों का होता है, यानी कुल 3 महीने में एक बाघिन बच्चों को जन्म दे सकते हैं, यानी इनका प्रसव तो इंसानों से भी 3 गुना कम है। खैर आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे एक मादा चीता अपने बच्चे को जन्म देते हैं। विल अपनी तेज रफ्तार और सटीक हमले के लिए जाने जाने वाले चीता भी बाकी बिग कैट्स की तरह अपने बच्चों को संसार में लेते हैं। इनका गर्भकाल काफी शॉर्ट होता है, लगभग इंसानों से 3 गुना छोटा, मगर उसके बावजूद भी इनके बच्चे काफी सेल्फ सफिशिएंट और जानदार होते हैं। मादा चीताएं अक्सर अपनी प्रेगनेंसी के वक्त काफी चिड़चिड़ी और आक्रामक हो जाते हैं। किसी अन्य जानवर से खतरे की जरा भी गुंजाइश लगने पर वो फौरन ही हमला कर देती है। और तो और, कई बार तो वो नर चीता को भी अपने नजदीक नहीं फटकने देते। मतलब इतना ही नहीं, अक्सर ये भी देखा गया है कि मादा चीताएं किसी गुफा या दर्रे के भीतर घुसकर अंधेरे में बच्चे देते हैं ताकि वो और उसका बच्चा जंगल के अन्य शिकारियों से बिल्कुल महफूज रहें। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये मादा चीता इस बाड़े के अधियारे कोने में पूरी तस्दीक करने के बाद ही इत्मीनान से बच्चा देते हैं और फाइनली फारिग हो जाने पर बच्चे की सफाई में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, चीता का हाल ले लेने के बाद आइए रुख करते हैं पानी के मस्त मौला मछली डॉल्फिन का। विल, आपने आज से पहले इंटरनेट पे ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां ये डॉल्फिन्स इंसानों की मदद करती नजर आ रही हैं, मगर आज आप पहली बार एक डॉल्फिन को बच्चा जनते देखेंगे। जी हाँ, ये वही तस्वीरें हैं जो शाम एक डाइवर के एक्शन कैमरे में कैद हुई जब एक 12 महीने से गर्भवती मादा डॉल्फिन ने एक नन्ही डॉल्फिन को जन्म दिया। दरअसल पहले तो उस नन्ही डॉल्फिन की पूंछ बाहर की ओर आई और फिर मादा डॉल्फिन ने पानी में इधर से उधर तैरकर कई झटकों के बाद डॉल्फिन को बाहर निकाल दिया। अब चूंकि ये सब पानी के भीतर अंजाम होता है, इसलिए एक डॉल्फिन के लिए रिलेटिवली एक बच्चे को जन्म देना काफी आसान और कम से कम दर्द भरा बन जाता है। खैर, जैसे ये नन्ही डॉल्फिन बाहर आती है तो पानी में कुछ ऐसे तैर के दिखाती है मानो कितनी बड़ी प्रोफेशनल स्विमर हो। खैर, यही तो वरदान है प्रकृति का। हर एक जानवर, हर एक क्रीचर को वो सब कुछ दिया है कुदरत ने जो उन्हें उनके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए चाहिए। एनीवे, आइए अब आपको स्टिंगरे फिश को जन्म देते हुए दिखाते हैं। दोस्तों, क्या आप इस बात को इमेजिन भी कर सकते हैं कि आखिर एक स्टिंगरे फिश अपने बच्चे को जन्म कैसे देती होगी? इनफैक्ट हम में से कई लोग तो इस मछली के बारे में सही तरह से जानते भी नहीं होंगे। तो उन्हीं के लिए बता दें, ये है एक स्टिंगरे फिश जो आकार में काफी अजीब किस्म की होती है। ये ऑलमोस्ट गोल और चपटी होते हैं। इसे आप आमतौर से प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन के गहरे गर्तों में देख सकते हैं, मगर इस मछली की कुछ प्रजातियां कई बार बीचेस के किनारों पर रेत में दबी हुई भी पाई जाती हैं। और ठीक ऐसा ही देखने को मिला इस वीडियो में भी। जब इस लड़के ने स्टिंगरे को देखा तो वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। जी हाँ, ये बेहद रेयर इंसिडेंट उस लड़के के गोप्रो कैमरा में कैद हो गया और अब आप इन्हें देख सकते हैं। तो
तो दोस्तों देखा आपने आखिर कैसे एक स्टिंगरे मछली ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वैसे इन चित्र विचित्र मछलियों का प्रेगनेंसी टाइम 5 महीने के करीब होता है, जो कि एक बाघिन से अधिक है मगर शेरनी से कम। लिहाजा ये मछली की उन चंद प्रजातियों में से एक है जो अंडे नहीं देते बल्कि डायरेक्टली ही बच्चों को डिलीवर करते हैं। यही वजह है कि इन कोल्ड ब्लडेड जीवों को एक मैमल का स्थान हासिल है। अब दिखाते हैं आपको एक राइनो यानी गैंडे के बच्चे देने की दुर्लभ वीडियो। तो दोस्तों इस भारी भरकम और बेतहाशा फौलादी ताकत रखने वाले जानवर के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? वेल चाहे जानवर कितना ही तगड़ा क्यों ना हो मगर हर केस में माँ की ममता उतनी ही कोमल होती है। ठीक इस वीडियो की तरह जिसमें दिख रही है 16 महीनों की प्रेग्नेंट फीमेल राइनो अपनी जिंदगी के तीसरे राइनो को जन्म देती है। हर एक मादा राइनो 2.5 साल के अंतराल में गैंडे को जन्मते हैं और इस वीडियो में नजर आ रही ये गैंडी अफ्रीका के एक जू में अपने नन्हे राइनो को जन्म देते हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि ऐन वक्त पे जब मादा ने बच्चे को जन्म दिया तो वो पल कैमरे में कैद नहीं हो पाए। बट जरा इस प्यारे और नन्हे राइनो को देखे, आखिर कितना मासूम लगता है। पैदा होते ही पेट पूजा में जुट जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक कंगारू को जन्म देते हुए दिखाना चाहेंगे। जी हाँ, वही कंगारू जिनके शरीर में एक प्राकृतिक पॉकेट भी होती है ताकि वो उसमें अपने बच्चे को छिपा सकें और कोई भी खतरा महसूस होने पर अपनी जान बचाकर भाग सकें। मगर यहाँ एक बात तो कहनी बनती है और वो ये कि आखिर एक कंगारू का जन्म किसी मेलोड्रामा से कम नहीं लगता है। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि पैदा होता हुआ एक कंगारू कुछ ऐसा दिखता है? जी हाँ, ये कोई चूहे का बच्चा नहीं बल्कि हाल ही में पैदा हुआ एक कंगारू है। वास्तव में कंगारुओं का जन्म ही ऐसे अनडेवलप्ड स्टेज में होता है जहां वो साइज में बेहद टाइनी और वजन में न के बराबर होते हैं, मगर अपने जन्म के 3 महीनों बाद वो बिल्कुल भले चंगे होकर दौड़ने लगते हैं। वेल, मुझे तो पूरी उम्मीद है आपने आज से पहले कभी किसी कंगारू का ये रूप तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, और अगर देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल ऐसी चैनल पे साथ लेकर कुछ शानदार कॉन्टेंट। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।